राहुल, इस तरीके से तुम मेरे कटहल को बिक पाओगे? आज 4 दिन हो गए मुझे इस मंडी में कटहल लाए हुए, ऐसी कटहल के ऊपर बैठा पड़ा हूँ, एक कटहल भी नहीं बिका है। कटहल के ऊपर बैठे बैठे नंगे पैर पैरों में छाले पड़ गए। मैंने तुम्हें 5% कमीशन देने का वादा किया है कि जितने का भी ये कटहल बिकेगा उसमें से 5% कमीशन दूंगा तुम्हें, फिर भी तुम जल्दी से जल्दी इस मेरे कटहल को नहीं बिकवा रहे हो। देखो मोदी जी, 5% कमीशन की बात नहीं है, बात है कटहल के ठीक होने की। तुम्हारे कटहल की पता नहीं कौन सी क्वालिटी है, अच्छा कटहल है ही नहीं। तुम्हारे कटहल को खरीदने के लिए जो भी मैं व्यापारी इधर उधर से घेर कर लाता हूँ वो तुम्हारा कटहल देख कर भाग जाता है, इसमें मैं क्या करूँ। फिलहाल आज चिंता की कोई बात नहीं है, आज बहुत व्यापारी आया है इस मंडी में कटहल खरीदने के लिए, और कुछ लोगों को मैं पकड़ के भी लाया हूँ। ये देखो अब ये तुम्हारा कटहल खरीदेंगे, लेकिन मेरी कमीशन बढ़ा देना, 5% कमीशन से 6% कमीशन कर देना मोदी जी। पहले राहुल इस कटहल को बिकवाओ तो, कहीं ये कटहल रगे रगे सड़ ना जाए, जल्दी बिकवाओ, 6 या 7% कमीशन दे दूंगा मैं तुम्हें। राहुल भैया, कहां पर कोई अच्छे कटहल दिखाओ, कैसे टेढ़े मेढ़े कटहल दिखा रहे हो? जो मेरे हाथ में है ये तो कटहल अच्छा है नहीं, पिछली बार आपने जो कटहल दिलवाए थे बहुत अच्छे कटहल दिलवाए थे, वैसी कटहल दिलवाओ, ये बेकार कटहल है, ये कटहल मैं नहीं खरीदूंगा। राहुल भाई, तो तुमसे बात को बात करेंगे, ये बताओ कटहल को सजा के रखोगे कहीं पर, टेढ़ा मेढ़ा या सीधा कटहल है? टेढ़े मेढ़े से तुम्हें क्या मतलब, इसे लेने वाला जो भी खरीदेगा काट कर इसे पका कर ही तो खाएगा, इसे कहीं सजाकर थोड़ी रखेगा। अरे मोदी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आप बीच में मत बोलो, नहीं तो ये कटहल खरीदने जो लोग आए व्यापारी सब भाग जाएंगे, इस तरीके से बात थोड़ी की जाती है। कहां कहां से मैं घेर कर लाया हूँ इन्हें, रुक जाओ चुप रहो, मैं अभी बेचता हूँ इन कटहलों को। नहीं भाई, ये कटहल अच्छे नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, चलो भाई केजरीवाल दूसरी जगह कटहल देखते है। वैसे सारे कटहल इसमें बेकार नहीं है, कुछ कटहल अच्छे भी हैं, ये मेरे हाथ में कटहल है ये तो बहुत बढ़िया है। रेट बताओ राहुल, क्या रेट में दोगे ये? भाई साहब, एक रेट 50 रुपए किलो लगेंगे, लेना है लो, नहीं तो जाओ। मोदी जी, एक भी व्यापारी यहाँ पर नहीं रुकेगा, इस तरीके से बात नहीं की जाती है, मैं कहाँ से घेर कर लाया हूँ इन्हें। अरे भाई साहब, ये आपकी कोई बात है? आप कह रहे हो कि लेना है लो, नहीं तो जाओ, चलो जा रहे हैं हम, नहीं खरीदेंगे आपके कटहल। कटहल तो इनके कुल मिलाकर ठीक थे, लेकिन ये सही तरीके से बेच नहीं रहे। भाई मैं अपनी सब्जी को इसी तरीके से बेचता हूँ, कोई कचरे से उठाकर थोड़ी लाया हूँ इस सब्जी को, पेड़ से मेहनत से उगाया है मैंने अपने कटहल को। मैं आपको बेचूंगा ही नहीं कटहल, चाहे एक नहीं 10 दिन तक मेरे कटहल रखे रहे। राहुल दूसरे व्यापारी लाओ, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, रिक्शे को तेजी तेजी से चलाओ, कैसे हल्के हल्के चला रहे हो, मुझे शहर पहुंचना है जल्दी। अगर इस तरीके से हल्के हल्के रिक्शा चलाओगे तो अपना लोग इस रिक्शे से कल तक भी शहर में नहीं पहुंच पाएंगे। केजरीवाल, समझ में नहीं आता, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ, खुल के तो बताओ, क्या बात कह रहे हो? अरे केजरीवाल, एक बात बताओ, रिक्शे पर तुम अकेले बैठी हो, लेकिन ये रिक्शा चलाते वक्त ऐसा लग रहा है रिक्शे पर 3-4 लोग बैठे हो, रिक्शे को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और तुम्हारा वजन भी कोई खास ज्यादा नहीं है, कहीं ज्यादा खाना खाकर तो नहीं आयो केजरीवाल? इस रिक्शे को मैं इतना मुश्किल से क्यों खींच पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है रिक्शे पर 2-3 लोग बैठी हूँ। अब इन मोदी जी को और केजरीवाल को क्या पता कि मैं इनके रिक्शे पर चुपके से पीछे चल रही हूँ, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पहियों की एक गाड़ी बना ली है, अब उसी गाड़ी पर मैं बैठ गई हूँ और मोदी जी का रिक्शा पकड़ लिया है, और मोदी जी रिक्शा चला रहे हैं, उन्हें पता थोड़ी है मैं पीछे हूँ उनके, इसीलिए मोदी जी को रिक्शा खींचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा। केजरीवाल, कौन सी जान आफत में है, पता नहीं आज रिक्शे को खींचने में इतनी मेहनत क्यों लगानी पड़ रही है, जबकि तुम रिक्शे में अकेले बैठी हुई हो। अरे क्या केजरीवाल, तुम्हारा वजन तो नहीं बढ़ गया, तुमने वजन अपना तोला है, रिक्शा खींचने में बहुत मेहनत लग रही है। अरे मोदी जी, आपके भी बहाने बेफालतू में बढ़ते जा रहे हैं, रिक्शा सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हो और मेरे वजन बढ़ने की बात कर रहे हो। अरे मोदी जी बोलो केजरीवाल, क्या बात है? अरे मोदी जी, मैंने आवाज नहीं दिया, पीछे से आवाज आ रही है। अरे ये पीछे तो लालू जी हैं। बोलो लालू जी, क्या कह रहे हो मोदी जी से? मोदी जी से बोलो वो अपने रिक्शे के पीछे जरा नीचे को देखे, सोनिया जी छोटे पहियों की गाड़ी पर बैठकर उनका रिक्शा पकड़ कर चल रही है। तभी तो कहूँ लालू जी, ये रिक्शा खींचने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, पीछे सोनिया जी पकड़ कर चल रही है मेरे रिक्शे को। अच्छा हुआ लालू जी आपने मुझे बता दिया, सोनिया जी आपकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, राहुल से मैं शिकायत करूंगा। लो राहुल मिल भी गया, राहुल ये देखो तुम्हारी मम्मी मेरे रिक्शे के पीछे चल रही है। अरे मम्मी जी, आप ऐसे उल्टे सीधे काम करती फिरती हो, बेफालतू की बेइज्जती कराती हो, क्या जरूरत थी ऐसे पीछे जाने की, आराम से रिक्शे पर बैठ जाती, मैं पैसे दे देता।
लालू जी मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, शहर आने वाला था, आपने मोदी जी को बता दिया। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सोनिया जी मैं आपको पूरे गांव में देखा आया, लेकिन आप यहां पर रोड पर लकड़ी लेकर आ रही हूं। जब मोदी जी मैं जंगल से लकड़ी लाने का काम करती हूं, तो लकड़ी लेकर आऊंगी और क्या लेकर आऊंगी ये बताओ। मैं जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हूं और इन्हीं लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करती हूं। आप बताओ आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। सोनिया जी मैं भी तो आपसे लकड़ी खरीदने की बात करने के लिए आया हूं। आप जो जंगल से सूखी सूखी लकड़ी बीन कर लाती हैं, इन्हीं लकड़ी को खरीद कर मैं जंगल में बेचा करूंगा, लकड़ी का व्यापार करूंगा। बताओ बेचोगी ये लकड़ी मेरे हाथ? मायावती जी, ममता दीदी, बेचोगी इन लकड़ी को? बताओ। देखो मोदी जी, हमारी ठेकेदार ये सोनिया जी हैं, सोनिया जी बताएंगी कि ये लकड़ी आपको बेचेंगी कि नहीं बेचेंगी। हमारा काम तो जंगल से लकड़ी बीनने का है, बाकी काम तो इन लकड़ी को बेचने का सोनिया जी करती हैं। चलो मायावती जी कोई बात नहीं है, सोनिया जी से ही बात कर ले रहे हैं। सोनिया जी क्या रेट में बेचोगी ये लकड़ी? मोदी जी 50 रुपए का एक गट्ठा लकड़ी आपको बेचूंगी, यानी कि मेरे पास जो एक कट्टा लकड़ी है वो 50 रुपए का है। बहन मायावती जी के पास जो एक कट्टा लकड़ी है उसके 50 रुपए, और ममता दीदी के पास जो एक कट्टा लकड़ी है उसके भी पूरे 50 रुपए लूंगी, यानी कि 3 गट्टे लकड़ी के मैं 150 रुपए लूंगी एकदम। हाँ ना में जवाब देना, सौदाबाजी कोई नहीं करूंगी मैं। लेकिन सोनिया जी कुछ रुपए तो कम कर लो, 3 गट्टे लकड़ी के आप 150 रुपए ज्यादा मांग रही हैं। ये शहर में जाकर मुश्किल से 200 रुपए की बिकेंगी, मुझे क्या बचेगा ये बताओ। अरे मोदी जी 150 रुपए की आप लकड़ी हमसे खरीदोगे 3 गट्टे और 200 रुपए में शहर में जाकर बेचोगे तो 50 रुपए आपको बचेंगे नहीं? ममता दीदी आप भी बेतुकी बात करती हो, 50 रुपए मुझे किस तरीके से बच जाएंगे ये बताओ। 150 रुपए की 3 गट्टा लकड़ी मैं ये खरीदूंगा आपसे, और 50 रुपए किराया लगेगा शहर में ले जाने का मुझे इन लकड़ी के गट्ठों को, तो मुझे बचेगा क्या? 150 रुपए में तुमसे खरीदूंगा, 50 रुपए का किराया, 200 रुपए में तो ये लकड़ी मुझे पड़ेगी और 200 रुपए में जाकर शहर में बिकेगी। कुछ पैसे कर लो सोनिया जी कम बस। मोदी जी पैसा एक कम नहीं होगा, लेना हो लो, नहीं लेना है लकड़ी को तो भाई जी बताओ, हाँ ना में जवाब दो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।